मशहूर एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन संसद में उस वक्त भड़क गईं जब उन्हें जया अमिताभ बच्चन बुलाया गया। उनका ये कहना था कि अगर जया बच्चन भी कहते तो बेहतर होता। साथ ही उन्होंने उपसभापति से ये कहा कि आज का ये नया नया दौर शुरू हुआ है जब महिलाओं के नाम के आगे उनके पतियों के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या महिलाओं का कोई अपना अस्तित्व नहीं है? क्या उनकी कोई अपनी पहचान नहीं है? इस तरह की बातें वो कहती हुई नजर आई। बता दें कि हाल ही में बजट पर जो है चर्चा चल रही है हर तरफ, और राज्यसभा में भी जब बजट पर चर्चा के लिए उपसभापति हरिवंश जी ने जया बच्चन को आमंत्रित किया चर्चा के लिए सवाल पूछने के लिए, तो उन्होंने उनका नाम जया अमिताभ बच्चन कह के पुकारा, जिसके बाद जया बच्चन इतनी ज्यादा भड़क गई, इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि उल्टा उन्होंने उपसभापति को ही कह दिया कि अगर आप मेरा ही नाम सिर्फ लेते तो अच्छा होता, अमिताभ का नाम लेने की जरूरत नहीं थी। इसी के साथ तमाम जो चर्चाओं का दौर है अब वो चल रहा है, और सोशल मीडिया पर खासतौर पर जया बच्चन को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। उनसे ये सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर अगर जया अमिताभ बच्चन कह दिया तो क्या कोई गुनाह कर दिया? तो किसी ट्रोलर ने यह भी कहा है कि अगर जया अमिताभ बच्चन हम कह रहे हैं तो अमिताभ बच्चन जी के लिए ये दुख की बात है कि आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही है। इस तरह के तमाम कॉमेंट्स जो है वो सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो या अन्य वेबसाइट हो, हर जगह जो है इस तरह के ट्रोल देखे जा रहे हैं। हालांकि अब जया बच्चन के दिल की बात क्या है ये तो समझना मुश्किल है। इसके अलावा अगर बात करें उपसभापति की, तो उन्होंने इस चीज को कहा जया बच्चन के सामने कि हमने वही नाम रखा आपका जो आपने गजट नोटिफिकेशन में या नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान लिखा था। आपको वो एक बार प्रिंट आउट भी मैं दिखा देती हूं जिसमें जया बच्चन ने नॉमिनेशन के दौरान अपना नाम लिखा था। इसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जया बच्चन ने इसमें जया अमिताभ बच्चन लिखा है। ये ब्लू कलर के पेन से मैंने मार्क किया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जया अमिताभ बच्चन उन्होंने अपने नॉमिनेशन को फाइल करने के दौरान लिखा था, लेकिन अब इसी नाम को लेकर उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। और साथ ही इतना ही नहीं, उपसभापति ने ही उन्हें समझाया कि ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा है, ये हमने उसी नाम को रिपीट किया है जो नाम पहले से ही लिखा हुआ यहाँ पर रखा गया था। इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ जो कि सभापति हैं, उन्होंने भी अपने शुरुआत के दौरान, चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये कहा कि कोई भी नाम सदन के किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नेता का, किसी भी सांसद का वही पुकारा जाता है जो उसने अपने नॉमिनेशन को फाइल करने के दौरान लिखा है। ठीक इसी तरह 29 जुलाई को हुआ वाक्य जिसमें कि उपसभापति हरिवंश जी ने जया बच्चन का जब नाम लिया तो उसमें उनका नाम जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ था, जिसके चलते उन्होंने भी उसे कहा, और ये आपत्ति जाहिर करना जया बच्चन की तरफ से सही नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको इसमें कोई चेंजेस चाहिए तो बाकायदा उसका एक प्रोसीजर होता है, आप अपना नाम बदल लें और उसके बाद भले ही आपको आपके चाहे हुए नाम से बुलाया जाएगा। तो इस तरह का जो विवाद है वो संसद में देखने को मिला, राज्यसभा में देखने को मिला जब जया बच्चन भड़क गई। ये वाक्या काफी ज्यादा अब वायरल हो रहा है, लेकिन किसने क्या कहा ये सबसे पहले आप सुन लीजिए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता, यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। बड़ी विशिष्ट ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन श्री हरिवंश जी इज नोन एंड वेल रिगार्डेड फॉर हिज अर्नेस्ट मेटिकुलस अडियरेंस टू रूल्स एंड डेकोरम। दिस ऑब्जर्वेशन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन कॉलिंग श्रीमती जया अमिताभ बच्चन फॉर एड्रेसिंग द हाउस ऑन 29 जुलाई 2024। Objection was taken by the honorable member asserting that she be addressed just as Jaya Bachchan. Honorable member's certificate of election as also consequential notification in gazette reflect her name Shrimati Jaya Amitabh Bachchan. Honorable members, it is imperative that from the chair only such name as reflected in the gazette notification can and need be called. There is a procedure
that enables a member to effect change in name and style of the member. तो अब इस विवाद के बाद देखना ये होगा कि आखिर जया बच्चन क्या अपना नाम बदलवाएंगी, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल में तो उनका नाम जया अमिताभ बच्चन ही है, लेकिन अगर वो ये चाहती हैं कि उनको जया बच्चन के नाम से पुकारा जाए तो फिर ऐसे में एक बाकायदा प्रोसीजर होता है जिसको उनको ध्यान में रखना होगा और नाम बदलवाना पड़ेगा।